तो आज मेरे पास है BS6 पल्सर 150। तो इसका प्रॉब्लम ऐसा है, देखिए आप देख सकते हैं साइस्टन इंडिकेट कर रहा है, लेकिन आप देख लीजिए ये साइस्टन उठा हुआ है अभी फिलहाल। जब हम गियर लगाएंगे उसके बाद गाड़ी ऑफ हो जा रहा है। उसका ये प्रॉब्लम होता है कि साइस्टन उठाने के बाद गाड़ी गियर में लगाने से गाड़ी चलता है, लेकिन साइस्टन अभी फिलहाल उठा हुआ है लेकिन काम नहीं कर रहा है। बंदे का अभी क्या प्रॉब्लम है दिखेंगे, अभी बने रही आप, क्या चीज़ के लिए प्रॉब्लम हो रहा है आप देख लीजिए। अब देख लीजिए साइस्टन इंडिकेट अभी भी कर रहा है साइस्टन उठाने के बाद भी। क्लास मान तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, देखते रहिए। हम लोग ये लेकिन सस्टेन में हम लोग गाड़ी घुमाने से सस्टेन का जगह पूरा हिल जाता है। तो ये BS6 में आज का सिस्टम ऐसे सस्टेन गाड़ी का आप लोग पॉन सीट का रखने से नीचे में रखने से बाद भी आप लोग गाड़ी नहीं चलेगी, वो ऑफ हो जाएगा। लेकिन उसका बंदे का सस्टेन उठा हुआ है उसके बाद भी बावजूद भी नहीं हो रहा है, गाड़ी गियर लगाने से गाड़ी पूरा ऑफ हो जा रहा है। सेंसर खोल के देखेंगे सेंसर का क्या प्रॉब्लम है। तो यह है बंदे का सेंसर, सस्टेन का सेंसर यही है। तो ये काम नहीं कर रहा है अभी, उसको अभी कैसे बनाएंगे। लेकिन देख लो सस्टेन, देख लीजिए सस्टेन का जगह जो है पूरा, जिसके हम लोग सस्टेन में गाड़ी घुमाने से जगह पूरा टेढ़ा हो गया है स्टैंड प्लेट का। तो बंदे का सेंसर कैसे बनाएंगे आप देख लीजिए। इधर में देख लीजिए, नॉर्मल लैंग्वेज में पीतल का बोलते हैं, पीतल का एक टू बोल्ट रहेगा, उसको खोल के अभी उसको कैसे सोल्यूशन करना है यही बताएंगे वीडियो में। तो देखते रहिए वीडियो को, उसको खोलने के बाद कैसे उसका सिस्टम बनाते हैं हम लोग। सेंसर नया लगाने से होगा, लेकिन बच्चे सबका सेंसर नहीं मिलने से आपको क्या कर कैसे उपाय करना है इसके बारे में वीडियो है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं बता नहीं पाएंगे, लेकिन यही है सेंसर का जगह, ये देख लीजिए यही सेंसर का जगह। तो मैग्नेट ये इधर में जब पकड़ता है तो साइस्टन का इंडिकेट जो होता है वो आप देख सकते हैं। चाबी को मीटर पर फोकस कीजिएगा, आप ये देख सकते हैं कि साइस्टन का इंडिकेट नहीं है। तो अभी देख सकते हैं क्योंकि हम नीचे से ये अप डाउन करने से अभी छोड़ दे रहा है, तो आ रहा है साइस्टन का इंडिकेट, अभी लगा रहा है तो साइस्टन का इंडिकेट चला गया। सेल्फ मार के देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हैं अभी गाड़ी स्टक लिया, अभी गाड़ी गियर पे है। ये चोट देने से सस्टेन का इंडिकेट फिर से आ रहा है, फोकस कीजिए मीटर पे, देख पाएंगे आप। मीटर पे फोकस करना सबको दिखे, फोकस करना है। प्रॉब्लम आप देख लीजिए, अभी प्रॉब्लम है यही सेंसर का। अब बच्चे सबको ये सेंसर नहीं मिलने से अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि बंदे का ये देखिए ये जो प्लेट नहीं होता है, और ये जो प्लेट का सस्टेन में गाड़ी घुमाने के बाद ये प्लेट टेढ़ा हो जाता है, तो टेढ़ा होने के बाद में यही प्रॉब्लम उसको फेस हो रहा है। ठीक है, अभी बंदे का ये सॉल्व कैसे करेंगे ये वीडियो इसके बारे में, तो अभी देख लीजिए। तो अभी ये BS6 का प्रॉब्लम ये सस्टेन का सॉल्व कैसे करेंगे यही देखेंगे अभी हम लोग। वीडियो के साथ बने रहिए, अभी इसको सेंसर को कैसे बनाएंगे देखते रहिए। अभी सस्टेन का साइड में जो प्लेट नहीं दिखाई दे रहा आपको छोटा वाला, ये अभी देख लीजिए 10 नंबर वाला बोल्ट जहाँ पे फंसता है इसको अभी खोलना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करने के लिए जो इधर में नहीं फंसता है देख लीजिए, इसको अभी खोलना पड़ेगा, इसको अभी तो हम लोग खोलना पड़ेगा ये चीज़ को। तो खोलने के बाद एडजस्ट कैसे करके बनाएंगे आप देख लीजिए, वीडियो के साथ बने रहिए। आप अपने घर पे भी बैठ के भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक लेंगे टेप लेने के बाद उसको एडजस्ट कर सकते हैं आप देख लीजिए, सेंसर के साथ उसको एकदम चिपक के बांधना पड़ेगा क्योंकि मैग्नेट की तरह ही काम करता है, उसको इसे इधर में डायरेक्ट करना पड़ेगा।
आजकल जो बी एस सिक्स है उसमें सबको ये प्रॉब्लम भी फेस करने वाला ही है। तो यही सेंसर है, अभी ये तो मैग्नेट के तरफ की काम करता है, मैग्नेट जैसे काम करता है, इसको सीधे में लगा के पूरा टेप मारना पड़ेगा हम लोगों को। टेप थोड़ा लगाने के बाद देख लेते हैं सेंसर काम कर रहा है कि नहीं, पहले एक बार मीटर पे देख ले, फोकस कर लेते हैं। तो अभी देख लीजिए, अभी सेशन का जो इंडिकेट कर रहा है वो बंद चला गया, अभी नहीं है, अभी गियर लगा कर देखते हैं पहले का प्रॉब्लम है कि नहीं है। अभी गियर लगाने से गाड़ी अभी ऑफ नहीं हो रही। तो उसको अच्छे से अभी पूरा पूरी बांध लिया है, अभी इसको लगाने के लिए एकदम बोल दो टू रहेगा। लेकिन बात हुई है यही जो हम पहले आपको नहीं बोला था, ये जो साइड का जो 10 नंबर वाला है वो भी खोलना पड़ेगा, इसको भी खोलना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा। ये खोलना पड़ेगा, इस चीज़ को खोल देती इसको, और बाद में इधर देखिए 8 नंबर टू बोल्ट होगा, इसमें अभी लगा के उसको रख दीजिए, हो गया। फाइनली गाइज मैंने बना लिया, अभी देखते हैं कि गाड़ी पहले के जैसे अभी गियर में लगाने के बाद ऑफ हो रहा है कि नहीं। गाड़ी अभी गाड़ी न्यूट्रल पे है, ठीक है जी, अभी गाड़ी न्यूट्रल पे है। तो न्यूट्रल के बाद हमें इग्निशन ऑन किया, अभी सेट है गाड़ी, अभी सेल्फ मार्ट है। तो पहले क्या होता था, गियर लगाने के बाद गाड़ी ऑफ हो जाता था, अभी देखते हैं गियर लगाने के बाद गाड़ी ऑफ होता है कि नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दी वी, लाइक दी वी तो।